6 a.m. Saturday morning. अभी हम लोग कैंपिंग हो रहा बस स्टॉप पे, यहाँ से बस पकड़ना है बिंदु के घर जाने के लिए। केरडालू जाएंगे अभी, यहाँ से बस पकड़ते हैं। So here we are at Bindu House, छोटा सा प्यारा सा घर और बहुत कुछ है यहाँ पे। पीछे बहुत सारा नारियल है, ढेर सारा नारियल और पीछे दूर दूर तक 4 acres, राइट? हाउ मच 3 acres पूरा फील्ड है। हम लोग जा रहे हैं अभी इसे एक्सप्लोर करने के लिए। कम और ऑफ द फील्ड। नमस्ते अंकल। तो अभी जाके देखते पूरा फील्ड पे एक राउंड। ये सारा नारियल तोड़ के यहाँ पे रखा है बहुत सारा। कितना होगा, कितना क्वांटिटी होगा इसमें, एनी आइडिया? 6000 कोकोनट ना। वाह, दिस इज लाइक आफ्टर रिमूविंग व्हेन इट गेट्स रिपेंड अ लॉट दे विल रिमूव द आउटर peeling and keeping the inside one, right? Uncle alone, doing alone everything. Gopre martara adella maintain martara. Wow, I'll be giving a support every week. So chaliye water like we did a borewell there. Oh, we have more than 4 borewells in that. Bhatmare pala kele is pala kan coriander. इसे कोरिएंडर क्या है भाई? कोरिएंडर का मस्त स्मेल आ रहा है। चलिए आगे चलते और देखते हैं। ओह, बोरवेल। Oh, this is for cultivating, not watering all the field. Curry leaves. Oh, I'm having nariyal only. Dry nariyal. It's dry nariyal, very tasty. What?
before 3 years. We tried here, but water didn't come. That white soil. Yeah. Akka is coming with tea. Kudiya kaagale itandru all video madalva. Okay. Then she came already so far, right? Appa appa wall. Appa bari duru bunu tidi. Akka chai leke aa rahi hai. We'll go to that tent. धन्यवाद अक्का. थैंक यू भैया. वेलकम भैया. बाय 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 बाय. कैन यू होल्ड टी एंड वॉक? या इट्स फाइन. यू हैव एंड देन वी स्टार्ट अगेन. ओके. चारों तरफ कोकोनट का पेड़, मस्त हवा चल रहा है. गांव का एनवायरनमेंट कुछ अलग ही होता है. फ्रेश हवा, पॉल्यूशन से काफ़ी दूर. ये टच में फुट वाला प्लांट है क्या? ये वो नहीं है. बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि कोकोनट ऊपर से ना गिर जाए सर पे. बहुत बड़ा बड़ा कोकोनट है. ये काफ़ी बड़ा जगह है और बस अंकल अकेले ही सारा कुछ देख रहे हैं यहाँ पे. आंटी ने बहुत सारा डोसा खिला दिया. डोसा और क्या था वो, क्या पुलाव वड़ा और चटनी बहुत अच्छा था. पैर बहुत टाइट हो गया. अभी घूमने जाना है. थैंक यू आंटी. तो अभी मैं हूँ इस वक्त एक विलेज जो बैंगलोर से करीब 350 किलोमीटर पे है. इसका नाम है कराडालू और ये विलेज ज़्यादा फेमस है कोकोनट के लिए. कोकोनट ट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे देख ही रहा होगा. इन होल एशिया वी हैव द बिगेस्ट मार्केट फॉर कोकोनट इन टिक्टॉक. आते ही सबसे पहले कोकोनट ही खाया मैंने, मतलब सूखा हुआ ड्राई वाला. इट वाज सो टेस्टी. पूरा पीछे तो देख ही रहा कोकोनट ट्री और नीचे पे जो दिख रहा है इट इज अराउंड लाइक 60,000 राइट स्टोर. तो अगर आपको नारियल खाना है बहुत सारा और आपका नारियल बहुत फेवरेट है, नारियल पानी और या फिर कुछ भी, देन कम हियर, स्टे फॉर अ वीक, डिटॉक्स योरसेल्फ एंड गो बैक टू बैंगलोर. तो हम लोग का भी प्लान वही है, यहाँ पे आगे जितना हो सके नारियल खा के निकलते. तो अंकल ने मेरे लिए फ्रेश नारियल पेड़ से तोड़ के दिया है. अंकल ने दाम नीचे फेंक दिया फटाफट. मार्केट से हमेशा स्टॉल से लेके पीता, आज फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कोकोनट ट्री से, एकदम टेंडर वाला सॉफ्ट. अंकल इसका हेड भी काट दो. ओ तोड़, अभी अंकल और एक तोड़ रहा है और ये गिरा नीचे. ओके अंकल ठीक, काफ़ी ये बहुत ज़्यादा पानी इसे तो नहीं पी पाएगा और. ठीक है, थैंक यू अंकल. टेस्ट करता हूँ कैसा पानी है. Drinking without straw. बहुत ज़्यादा पानी है. I think it's maybe 1 liter ना? हाँ. Uncle 1 liter, 1 liter more than 1 liter. 1 liter बहुत. 1 liter हाँ. नहीं पी पाऊँगा इतना. Open मत बोलो करें. This way open ना? हाँ. I can't leave my. Give this one. Wrong attempt. You edit it out.
के लिए विलेज का देखते हैं कहाँ पे क्या है। पहला मंदिर जाते हैं और अंकल ने बाइक दिया घूमने के लिए। आज शिवरात्रि है और यहाँ पे शिव मंदिर है तो यहीं पे आए अभी बाइक चला के हम लोग। पीछे पे लेक तो यहाँ पे कुछ देर रुकते हैं, लेक का व्यू लेते हैं, भगवान को मैंने प्रे भी कर लिया, फिर निकलते यहाँ से कहीं और देखते हैं। व्यूज देखने के लिए इस पहाड़ पे थोड़ा सा चलना पड़ेगा। चल के जाते हैं, ऑलरेडी रास्ता बना दिया गया है चलने के लिए। काफी धूप है लेकिन यहाँ पे आने के बाद इट विल बी लाइक दैट। मंदिर के ठीक पीछे वी आर इन मलागट्टा लेक। शांत माहौल, एकदम सा शांत माहौल है और बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है। थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए। बहुत ही धूप निकल रहा है, भयंकर धूप। पीछे सारा शिव भक्त स्टेज दिख रहा नीचे पे। दिन बहुत गहरा हो गया तो इट विल बी टू डेप्थ
बोलते हैं दोस्तों क्या क्या पार्क, लेकिन पार्क है रोड से क्या है बोलते प्रॉपर पार्क नहीं है। डू वन थिंग ओके विल कम इन बैक सन्नाटा चुपचाप कोई नहीं है सामने पे एम्प्टी रोड सिर्फ कुत्ता भोग रहा है पॉल्यूशन से दूर नॉइज से दूर और एक वीकेंड बहुत ही सही लगता है यहाँ पे आके जो चाहिए था वो सारा कुछ आई थिंक वी गॉट इट जैसे एनवायरनमेंट चाहिए था हमें शांत माहौल नो ट्रैफिक नथिंग गांव वाला जो एनवायरनमेंट होता है कंप्लीटली वही फील कर रहा हूँ।